हेलो, भूल गए ना आप सब मुझे? वेल, मैं नहीं भूली। हाँ, कुछ दिन गायब जरूर हो गई थी, बट आई नीड अ ब्रेक यार, क्या करें। कई बार ना थोड़ा सा भागना भी चाहिए, थोड़ा सा रुकना भी चाहिए लाइफ में। सो मैं भी एक ब्रेक के लिए चली गई थी एंड आई एम बैक विथ अ बैंग। सो वेलकम टू रूहानियत, एक नए एपिसोड के साथ। चलिए बात करती हूँ मैं कहाँ गई थी। रिसेंटली आई हैड अ ट्रिप टू माउंटेन्स। हम सबको पसंद है पहाड़, राइट? और वो आजकल रील्स में भी चल रहा है ना, सुकून की तलाश है तो पहाड़ों में आइए। मैं भी चली गई थी पहाड़ों में। वहां जाके इंजॉय तो बहुत किया, खूबसूरती की तो बात ही क्या करूं। लेकिन कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहाड़ों को देख कर आई हूं इस बार, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं थोड़ी सी बातें। तो मैंने बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे, ग्रीनरी, पेड़, हरे भरे पहाड़ देखे, कुछ सूखे से बंजर वाले भी पहाड़ देखे। पता है क्या सीखा मैंने इन पहाड़ों से? अहम और आस्था के बारे में। आई नो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, बट मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ कि मुझे क्या लगा। पता है भगवान ने पहाड़ क्यों बनाए? क्योंकि हम लोग जो थोड़ा सा भी कुछ सक्सेस अचीव कर लेते हैं ना, तो बहुत बड़ा मानने लगते हैं खुद को। फिर हम क्या करते हैं, हम ट्रिप्स लेते हैं, वेकेशंस लेते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, और जब उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हैं ना, तो उनके सामने खुद को बहुत छोटा पाते हैं। तब जाके हमको पता चलता है देयर वी एक्चुअली स्टैंड इन लाइफ, कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो अचीवेबल नहीं है, वो हम कॉन्कर नहीं कर सकते। कुदरत अपना एक सिक्का तो अपने पास रखेगा ना अपनी सुपीरियरिटी के लिए, वो सिक्का है पहाड़। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे मैंने ना, आई फील सो टाइनी इन फ्रंट ऑफ देम। दूसरा, मैं सोच रही थी खिड़की में बैठे बैठे कि भगवान ने पहाड़ बनाए इतने ऊंचे ऊंचे, फिर छोटी छोटी नदियां और झरने ही क्यों नहीं बनाए, समंदर क्यों बनाए, वो भी इतने बड़े बड़े, और वो भी खारे पानी के। मीठा पानी होता तो हम यूज भी कर सकते। फिर जाके रियलाइज हुआ कि जैसे हमारी लाइफ में होता है ना, बहुत से लोग मिलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, रिलेटिव्स, नेबर्स, ऑफिस स्टाफ्स, काफी सारे लोग मिलते हैं, वो सब समंदर की तरह होते हैं, खारे पानी जैसे होते तो हमारे पास है, लेकिन हम उनका यूज कुछ नहीं कर सकते। और जो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं ना अपने, जो हमारे दिल के करीब होते हैं, जो हमारे लिए हमेशा हाजिर होते हैं, वो लोग होते हैं नदियों और मीठे झरनों की तरह। तो अब आप समझे कि भगवान ने सागर क्यों बनाए? टू मेक अस रियलाइज कितनी भी विशाल चीजें क्यों ना हो, सुकून तो उन छोटी छोटी चीजों से ही मिलता है। फिर मैंने सोचा कि सारे मंदिर, सारे भगवान पहाड़ों में जाकर ऊपर ऊपर क्यों बैठते हैं? नीचे भी तो बैठ सकते थे ताकि इंसान आराम से उन तक पहुंच जाए। पर हम इंसान है ना, जो भी चीज आसानी से मिल जाए ना, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। भगवान भी इजीली अवेलेबल हो जाते तो शायद हम उनको भी निग्लेक्ट करते कि छोड़ो यहीं पे तो बैठे हैं, कभी भी चले जाएंगे। पर जब वो पहाड़ की चोटी पे आप जाते हो ना पैदल चल के, किसी भी तरह थक हार के हिम्मत जुटा के पहुंचते हो, और फाइनली जब वो अचीव होता है ना कि हाँ पहुंच गए हम, दर्शन हो गए, वो सुकून के लिए कि थोड़ी सी मेहनत करो, आगे जाके फल तुमको अच्छा ही मिलने वाला है।
सो मैंने तो अपनी ट्रिप्स से बहुत सी छोटी छोटी लेकिन लाइफ के लिए बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप भी कोई ट्रिप ले, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, बीचेस हो, कहीं भी हो, थोड़ा हट के सोचिएगा कि ये चीज़ें हमें क्या कहना चाह रही है। एंड एंजॉय योर ट्रिप। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर।